जिनकी आंखें ढलकी हुई हैं उनको इसको जरूर अपनी आंखों के ऊपर आंखों के नीचे जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। चम्मच की हेल्प से हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ब्राइटन अप मेरा स्किन लग रहा है, देख रहे हैं आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारन मित्र फुति बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, अगर आपके भी चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन बहुत जल्दी बन रही है, चेहरे के ऊपर झाइयां अगर ज्यादा आ गई है, उम्र से पहले अगर चेहरे के ऊपर बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, यानी कि सैगिंग स्किन बहुत ज्यादा हो गई है, गर्दन के पास में अगर स्किन लटकने लग गई है, चेहरे के पास में यहाँ पर फॉरहेड के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि लाइंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, आंखों के आसपास उम्र से पहले अगर स्किन लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो आज का ये जो फेस पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय होगा। मैं जिस रेमेडी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको जिस तरीके से बता रही हूँ, उसी तरीके से अगर आप अपने चेहरे पर रेगुलर तौर पे कर लेंगे, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेंगे, अगर आप 40 के आसपास पहुंच चुके हैं, 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो कम से कम वीक में 3 बार तो आप इसको जरूर कीजिएगा। आपकी स्किन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस, बहुत ज्यादा फर्मनेस दिखेगी, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती हुई दिखेगी आपको। आपका स्किन का जो पोर्स होते हैं, हमारे फेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं, ये आपको मिनिमाइज होते हुए दिखेंगे और स्किन के ऊपर एक टाइटनिंग वाला जो इफेक्ट आपको चाहिए, जो कि आप बोटोक्स में ढूंढते हैं, वो आपको इस रेमेडी के साथ में मिल जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट जितने भी हैं सब आपके घर में रखे हुए हैं और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी गलत असर डालेगा। सारी चीजें हम रेगुलर तौर पर खाते हैं और बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस रेमेडी को। जैसा बता रही हूँ प्लीज वैसा ही कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, आप अपनी स्किन के ऊपर चेंज खुद ब खुद देखेंगे सिर्फ 3 बार के यूज से ही। और 3 बार का यूज कैसे होगा, एक हफ्ते के अंदर आपने 3 बार इसको यूज करना है, आपको अपने चेहरे के ऊपर डिफरेंस दिखाई देने लग जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले हमने लेना है जी मेथी दाना। ये मेथी दाना में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटी एजिंग, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी स्किन को टाइट करते हैं, फर्म करते हैं, आपकी स्किन के एजिंग के ऊपर काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके कलर को भी फेयर करती है। स्किन के डार्क स्पॉट्स के ऊपर अगर आपको काम करना है, आप मेथी दाना का स्किन के ऊपर यूज करना शुरू कर दीजिए। जितना ये खाने में हेल्दी है उतना ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो हमने करना क्या है, इस तरीके से हमने ये मेथी के दाने ले लेने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने लिए हैं, ये करीब 2 चम्मच मेथी दाना है और ये जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना ले लीजिएगा, आप एक हफ्ते का जो आपका बैच है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक खाली बाउल में हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ में अब हम दूसरी चीज क्या लेने वाले हैं, इसके साथ में हम दूसरी चीज लेंगे ओट्स। जो ओट्स आप घर पर खाते हैं उसी ओट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखिये इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये देखिए, ठीक है। ये ओट्स यानी कि ओट मील जो होता है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये हमारी स्किन को फेयर करते हैं, हमारे कलर टोन को 2 से 3 टोन तक ये फेयर करता है, साथ में आपके डार्क स्पॉट्स के ऊपर काम करता है। इसका यूज अगर आप अपने चेहरे पर करते हैं आपको अपनी स्किन में विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा, स्किन इतनी ज्यादा फर्म लगेगी, इतनी ज्यादा टाइट लगेगी, क्योंकि इसमें फुल ऑफ फाइबर है। ये आपके स्किन की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करता है, स्किन को अंदर से हेल्दी करने में ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो आपने क्या करना है, 1 से 2 चम्मच आपने, मतलब जितना आपने मेथी दाना लिया है उतना ही आपने ओट्स ले लेना है, ठीक है। ये देखिए इसी में मैं ले रही हूँ। तो ये हो गई हमारी 2 चीजें जिसको कि हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इन दोनों चीजों को आपने ग्राइंड करके इनको आपने पाउडर फॉर्म में बना के रखना है और आप जिस तरीके से मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ किस तरीके से इसको बनाना है, उस तरीके से आप बना के लगाने का तरीका देख लेंगे, आप अपनी स्किन के ऊपर विजिबल रिजल्ट देखेंगे। तो चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं इंट्रो दे देती हूं रेखा सिंह, यहाँ पर मैं इसी तरह की DIYs लेके आती हूँ। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, चैनल के ऊपर बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना चाहिए, एकदम फ्री है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी पैसा नहीं खर्च होना है, आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे और आगे की जो जर्नी है उसमें आप भी एक पार्ट अदा करेंगे अपना। तो आपने क्या करना है, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आपने क्लिक कर देना है, वो जो रेड कलर का दिख रहा है, और उसके साथ में बेल आइकॉन जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आपने ऑल वाले को दबाना है, ताकि फ्यूचर की जो वीडियोस मैं डालूंगी, अपलोड करूंगी, वो आपके नोटिफिकेशन बेल में सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के बटन के साथ में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा मेरी बूस्टर के लिए, अच्छी अच्छी रेमेडीज बना के लेके आने के लिए। तो चलिए हमें ये पाउडर बन के मिल जाएगा, इसमें मेथी दाना और ओट्स दोनों हमने सेम क्वांटिटी में रखा है, और जितना ये आपको दिख रहा है ना ये आपके 3 से 4 फेशियल को कवर अप कर सकता है। और हमने बनाना कैसे है अब मैं आपको दिखाती हूँ।
इसको आपने स्टोर करके रखना है किसी डिब्बी में और फ्रिज में, क्योंकि इसमें मॉइस्चर पकड़ लेगा। अगर आप इसको बाहर रख देंगे फिर आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको थोड़ी सी हल्की सी ना स्मेल आएगी, जो कि हमें हमारी रेमेडीज में नहीं चाहिए। मैं एक खाली बाउल ले रही हूँ और इसमें अब हम बनाएंगे हमारा आज का ये फेशियल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा आज का ये पाउडर। मैं ले रही हूँ अपने फेस के लिए, तो करीब करीब इसमें मैं ये 2 चम्मच पाउडर ले लेती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। इसके साथ में अब हम डालेंगे इसमें दही। गाढ़ा दही होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि पानी वाला अगर हो जाएगा तो ये लिक्विड हो जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए। हमें इसको लगा के अपनी स्किन के ऊपर रखना है, और रखना कितनी देर है ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो ये देखिये, मैं ले रही हूँ दही, करीब करीब 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें ये दही ले लिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा हनी। हनी आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है उसको दही बहुत आसानी से दूर करता है। हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर लगाता है। तो हम ले लेते हैं हनी, ये देखिए इस तरीके से करीब 1 चम्मच के आसपास आपको इसमें दही हनी एड ऑन करना है। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें आपको थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है पाउडर, तो आप दही और ऐड कर लीजिएगा। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, इसमें कुछ भी लिक्विड और कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ और सिर्फ दही के साथ में ही आपने इस रेमेडी को बनाना है। दही आपके कलर को भी फेयर करता है और लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है और स्किन को बहुत ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट बनाता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। एक्चुअली बालों में लग जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, फिर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई फेस पैक लगाना होता है या फेशियल करना होता है, आपको अपनी स्किन को जरूर क्लीन करना चाहिए। आप चाहें तो रोज वाटर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो दही के साथ में अपना क्लीन अप कर सकते हैं, आप चाहें तो कच्चे दूध के साथ में भी अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। मेरे फेस के ऊपर कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना लिपस्टिक लगाया, थोड़ा सा डिसेंट लुक लगता है और कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करें, हम अपने पैक को लगाना शुरू करते हैं। मैं ब्रश के साथ में कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ के साथ में भी लगा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे आप लगाइए। ये ध्यान में रखिएगा बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद में आपने इसको कम से कम 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर रखना ही रखना है। अब मैं आंसर दे देती हूँ भैया कि ये कौन लगा सकता है। देखिए अगर आप 30+ हो चुके हैं, आपको इसको हफ्ते में 3 बार तो जरूर ही लगाना है। वैसे इसको आप कोई भी एज के अगर आप हैं, मतलब लाइक अगर आप 15 साल से 16 साल से ऊपर है, तो आप इसको डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाएगा। हाँ, आपकी स्किन का एक बेस्ट वर्जन आपको जरूर देखने को मिलेगा, कलर भी फेयर होगा, स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम आपकी स्किन हो जाएगी। इसके साथ में आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड भी गायब हो जाएंगे। आंखों के ऊपर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज है इसमें, और जिनकी आंखें ढलकी हुई हैं उनको इसको जरूर अपनी आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे जरूर अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से, और आंखों के नीचे प्लीज जरूर लगाइएगा। मेक श्योर करिएगा कि आंखों के नीचे यहाँ पर जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाते हैं और स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, यहाँ पर जरूर लगाना है। उसके साथ में ही आप थोड़ा सा डीप नेक पहनिएगा, ठीक है, सूट वूट जो भी आपको पहनना है थोड़ा डीप नेक पहनिए, और गर्दन के ऊपर आपको इसको जरूर लगाना है। ये लगाने के बाद में हमें कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट तो एटलीस्ट आपको इसको लगाना ही है। आप चाहें तो पावर नैप ले सकते हैं, सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई काम अगर आपको लेटे लेटे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप 15 से 20 मिनट के बाद में। हेलो जी, वापस आ गई हूँ। ये अभी हाल है 18 मिनट के बाद में, ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें दही डला हुआ है, तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले आपने 1 चम्मच की हेल्प से इसको हटा लेना है, और उसके बाद में ही आपने किसी टॉवल के साथ में इसको क्लीन करना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें मेथी दाना लगा है और मेथी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा चिकनी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको वॉश करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पानी यूज में आएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, जो रेखा सिंह लाइफ मेरी फैमिली है, वो पानी का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करे, ठीक है जी। तो हम इसको पहले 1 चम्मच की हेल्प से हटा लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना ब्राइटन अप मेरा स्किन लग रहा है। देख रहे हैं आप, पहले में और अब में आपको फर्क लग रहा होगा, जब हमने लगाना शुरू किया था और अब मैं आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा, कितना बढ़िया ग्लो आया है एकदम। मैं क्लीन करके आ गई हूँ और आप देख सकते हैं
कितनी बढ़िया से एकदम हाइड्रेटेड फेस लग रहा है। इस रेमेडी को आपने कम से कम वीक में 3 बार जरूर करना है अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन के ऊपर वो ग्लो दिखे, वो चार्म दिखे जो 20s में हमारी स्किन के ऊपर नेचुरली भगवान ने ही दिया हुआ था। वही ग्लो अगर आपको अपनी स्किन के ऊपर चाहिए, आप चाहते हैं आपकी स्किन टाइट हो जाए, तो आपको इस पैक को 3 बार वीक में जरूर करना है। रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर आए थे और देखना चाहते थे कि आखिर रेखा सिंह क्या बताती है, तो इसी तरह के DIYs मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकॉन। और इस रेमेडी को देखने के बाद में आपके ऊपर इसका रिजल्ट कैसा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। कहाँ से मेरे वीडियोस को आप वॉच करते हैं प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ये मुझे और ज्यादा बूस्टर देते हैं अच्छी अच्छी रेमेडीज आप लोग के लिए बना के लाने के लिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, बाहर आने जाने का बहुत ज्यादा आपका भी रहेगा, तो आपने करना क्या है, सनस्क्रीन जरूर लगानी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।